ये टेनिस बॉल आज बताऊंगा 10 रोगों का आउट करने का इलाज। अरे कैसे करेंगे इसके आउट, एक एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लोग तो इससे गेम खेलते हैं, लेकिन मैं टेनिस बॉल से कितने रोग ठीक होते हैं, क्या क्या ठीक होता है ये बताऊंगा। साथियों, टेनिस बॉल से सबसे पहले हमारी गर्दन में दर्द हो गया है, गर्दन का रोग है, सर्वाइकल है, कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो गए, उनको ठीक करें। अपर बैक पेन को कैसे करना है, क्या करेगी, कैसे ठीक करेगी। लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क में लोअर पेन बैक पेन होती है, उसको कैसे ठीक करेगी। अरे सुनो, हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया जो नाभि बढ़ जाती है और जिनकी नाभि गिर जाती है, उसको भी ठीक करने का बताऊंगा। आम लोगों की नाभि गिर जाती है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को पेट में दर्द होने लग जाती है, किसी को भूख कम हो जाती है, कैसे भी ये टेनिस बॉल करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक एक चीज़ का। कंधे फ्रोजन शोल्डर में कैसे, सर्वाइकल की कैसे, और घुटनों का कैसे, पैरों के लिए, अरे पैरों के लिए क्या मसाज है इसकी। सुनो, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को बवासीर हो जाती है, किसी को खूनी है, किसी को बादी है, ये कैसे ठीक करेगी बवासीर को। सुनो, जिनको बवासीर है, इसको अपने लैट्रिन वाली जगह पे रख के चौकड़ी मार के बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना, इसको लैट्रिन वाली जगह पे चौकड़ी मार के बैठ जाओ 15-20 मिनट, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें और लैट्रिन वाली जगह को अंदर सिकोड़ें। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के बच्चेदानी बाहर आ जाती है, उनके लिए ये अपने यूट्रस के नीचे रख के इसके ऊपर बैठ जाएं, बस चौकड़ी मार के बैठ जाएं, 15-20 मिनट बैठेंगे तो ये वो जो पार्ट बाहर आता है अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब पहला पॉइंट जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, सर्वाइकल, गर्दन का दर्द, गर्दन में अकड़ाव आ गया, ये देखो हथेली में लेके इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक नस है उसको दबाएंगे, आपको पेन भी होगी उसमें जो सर्वाइकल है। दूसरी तरफ इसको अपने हथेली से ऐसे इसको दबाना है, ये मसाज 2-3 मिनट एक तरफ करनी है, 2-3 मिनट दूसरी तरफ। अब नंबर दो, तीसरे पॉइंट सर्वाइकल के लिए, ये मैंने गर्दन के पीछे रख लिया और हाथों को इंटरलॉक कर लिया, इसको दबाएं फिर ढीला छोड़ें, दबाएं फिर ढीला छोड़ें, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, इसको घुमा ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको दबाएं फिर नीचे फिर दबाएं, सर्वाइकल का दर्द चला जाएगा। अब कुछ लेट के करने वाली हैं, वो मैं किसी बच्चे को भी लिटा के आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आइए, ये देखिए, गर्द है तो सर्वाइकल का ही, यहाँ एक नस फूल जाती है, ऐसा गांठ सी बन जाती है, उस जिनको सर्वाइकल होगा उनके ये मसल यहाँ पे सूजन आ जाती है, उसके ऊपर इस टेनिस को बाल को रख के थोड़ा लेट जाना है, हल्का सा कमर के प्रेशर देना है, प्रेशर देना है बार बार, थोड़ा सा इधर घूमें, ऐसे घूम जाएं, इधर घूम जाएं, इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होगी। चलिए, अब कंधे के जिनके फ्रोजन शोल्डर है, जिनके कंधे जाम हो गए हैं, देखिए कंधे के नीचे रखिए, इसको कंधे के नीचे रख के लेट जाएं, जहाँ ये कंधे का जोड़ है इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, और ऐसे
एक्सरसाइज भी होगी और उसका दबाव भी प्रेशर पड़ता रहेगा। आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, ऐसे देखिए ये एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह अब दूसरे कंधे पे लगा लिए, दूसरे कंधे पे लगाकर हमने इसको उसी तरह कंधे जिनके जाम हो जाते हैं, जिनके कंधों में ऊपर नहीं उठते, घूमते नहीं, ऐसे लोगों के लिए ऐसी टेनिस बॉल अपने आप घर में इलाज करने वाला बात है। चलिए अब तीसरा पॉइंट, अपर बैक पेन। कई लोगों को अपर बैक पेन होती है लेकिन वहाँ कोई सहारा नहीं मिलता। एक रबड़ की ये टेनिस बैल, इसके अपर बैक जहाँ पे गर्दन से नीचे लेट जाओ इसके ऊपर, देख ये अपर बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के बाद अपर बैक पेन आता है, इसके ऊपर लेट के थोड़ा सा इधर उधर ये घुमाओ ऐसे ऐसे घुमाना है, देखिए अपर बैक पेन के लिए। चलिए एक बार उठो, अब लोअर बैक पेन के लिए ये देखें, यहाँ या लास्ट में हिप्स है उसके नीचे, चलो लेट जाओ। ये लोअर बैक पेन के लिए सर, जिनके स्लिप डिस्क हो जाती है, जिनके हड्डी खिसक जाती हैं और जिनके छटका का दर्द होता है, उनके लिए लोअर बैक पेन पे सर्वाइकल रख के इसको पवन मुक्त आसन करो। इसमें ने घुटना मोड़ के घुटने पे दबाव देना है ताकि उस पे दबाव आए, थोड़ा बैठ के भी आगे गर्दन ऐसे ऐसे लगाओ गर्दन के, इससे वो प्रेशर पड़ेगा। दूसरे पैर से लगाएं इसको, गर्दन उठा के ऐसे, इस पे पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, जब नीचे रखी है उस पे प्रेशर पड़ेगा। चलिए अब दोनों पैर घुमा लें, थोड़ा हल्का हल्का हल्की हल्की इधर मसाज सी हो जाती है और थोड़ा सा उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ऐसे हाथ टांगों को हिलाएं, दीजिए निकाल दें। अब हम दिखाते हैं जिनकी नाभि गिर जाती है, नाभि गिर जाती है उनके लिए हम बताएंगे कैसे करनी है। नाभि के पहले घुटनों के नीचे रखें इसको, बाल को घुटने के नीचे, नाभि ठीक करने के लिए घुटनों इसको दबाओ, पेट पे दबाओ ऐसे, फिर दबाओ, फिर ऐसे, फिर दबाओ। ये नाभि ठीक करने के लिए घुटने के नीचे, दूसरे घुटने के नीचे, जैसे कई लोग डंडा अड़ा देते हैं घुटनों के नीचे, ये टेनिस बॉल वही काम करेगी, कब्ज भी ठीक कर देगी और नाभि भी ठीक कर दे। चलो अब नाभि पे लगा के पेट के बल लेट जाओ, नाभि पे लगा के पेट के बल लेट जाओ। नाभि ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है टेनिस बॉल। इसमें आप ऐसे पेट को ऐसे घुमाएं, नाभि ठीक हो जाएगी। पीछे दोनों पैर पकड़ें, इससे गर्दन ऊपर उठाएं, नाभि ठीक हो रही है। और चलिए देखिए जिनके घुटने दर्द करते हैं, ये घुटने के नीचे लगा के, ये देखिए घुटने के नीचे लगा के ऐसे, इसी तरह दूसरे घुटने के नीचे लगा के ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, घुटने के दर्द ठीक होंगे। अब हाथों में, कई के हाथ क्रम्प पड़ जाते हैं, कईयों के हाथों में इसको ऐसे मुट्ठी से दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं। अब इसको घुमाएं, जिनको शुगर है उनके लिए ये शुगर को कंट्रोल करती है, इसके पॉइंट सारे दबते हैं, तो ऐसे दबाए ऐसे हाथों में। अब पैर के नीचे इसको दोनों पैरों के नीचे बारी बारी ऐसे चलाएं, फिर उंगलियों के ऐसे दबाएं,
एड़ी पर ऐसे दबाएं, ऐसे घुमाएं पंजों पे, पंजों से उंगलियों के क्रम्स ठीक होते हैं और बीच में एड़ी के मसाज होती है तो एड़ी का दर्द भी, एड़ी पे थोड़ा सा हल्का सा दबाएं, एड़ी का दर्द जिनको रहता है उनका एड़ी का दर्द होता है ठीक। इसके पैर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं, पैर के नीचे हमारे शरीर के पॉइंट्स हैं जिनको ये दबाने से, प्रेशर देने से, बारी बारी दूसरे पैर भी कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे इसको मसाज से भी हो जाती है, वह एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबते हैं। हाथ में पकड़ के चौंकड़ी मार के इसके रीढ़ की हड्डी के ऐसे मसाज कर सकते हैं दोनों, ये रीढ़ की हड्डी ऐसे भी मसाज की जा सकती है, तो ये अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ये है टेनिस बॉल, लेकिन आपके 10 बीमारियां को ठीक करने का रामबाण नुस्खा है।